if 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term. Show that 25th term of AP is zero. ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, कॉपी पेन निकाल लीजिए तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और आपको समझ में भी आएगा। nth टर्म का फॉर्मूला याद करना है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए 10th टर्म हमारी होगी a 10 इज इक्वल टू a प्लस, यहां पे n की जगह 10 रख दिया है, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 90। ऐसे ही 15th टर्म में यहां पे n की जगह 15 लिख दिया है, a 15 इज इक्वल टू a प्लस 14d। यहां पर देखिए 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, यहां ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पर a 10 की जगह ये वैल्यू को पुट कर दिया है, a 15 की जगह इसको पुट कर दिया है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस a इज इक्वल टू 24d आ गया है। 25th टर्म निकालने के लिए ये देखिए nth टर्म का फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, n की जगह 25 रखेंगे। यहां देखिए a प्लस 24d, अभी देखिए यहां पर 24d की वैल्यू माइनस ए लिखी हुई है, तो देखिए यहां पर 24d की जगह माइनस ए लिखी है, तो a 25 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।